गाइस यार हमारे पास वीवो वाले ने यार एक ऐसा फ़ोन लेकर आया है कि यार जिसमें कि हम लोगों को मिल जाता है ड्रोन कैमरा एंड यार वो ड्रोन कैमरा हम लोगों को यार पॉपअप ड्रोन कैमरा मिल जाता है जो कि यार हमारे फ़ोन पर घुसा हुआ रहता है, वो आप लोग कह सकते हो, या फिर हमारे फ़ोन के अंदर रहता है। एंड यार जैसे ही आप लोग उस कैमरे को खोलोगे ओपन करोगे तो वो यार पॉपअप होकर ओपन होगा, उसके साथ साथ यार वो ड्रोन कैमरा उड़ेगा या फिर यार आप लोग जैसे उड़ाना चाहोगे। एंड यार जहाँ से भी आप लोग फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। एंड यार यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसी फ़ोन के बारे में, जिसमें कि यार वो कैमरा जो है कि कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, फ़ोन के फीचर्स क्या है। एंड यार इसका सबसे खास फीचर तो वही है ड्रोन कैमरा वाला, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यार तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, अपना ओपिनियन लिखना कमेंट में, बिल्कुल भी मत भूलना यार। एंड यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस फ़ोन की, वो जो कैमरा है तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं यार। तो वो जो कैमरा आप लोगों को मिल जाता है 200 मेगापिक्सल का। एंड यार उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो कैमरा में आप लोगों को 4 प्लस मिल जाते हैं, यहाँ पर 3 भी हो सकता था लेकिन यार यहाँ पर 4 किया गया, मुझे नहीं पता यार क्यों किया गया। वहाँ पर कुछ यहाँ पर यार काफ़ी मस्त यार ये स्लाइड होकर निकलता है, वो मुझे यार काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यार फ्लाइंग ड्रोन कैमरा आप लोगों को मिल जाता है यार 200 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है। एंड इसे आप ऊंचा नीचा आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी आप लोग ले जाकर फोटो वगैरह खींच सकते हो, जो कि यार एकदम हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ होंगी। एंड यार इसमें आप लोगों को बैटरी मिल जाता है 6000 mAh का। एंड यार यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो कि है यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G। एंड यार 5G यहाँ पर आप लोगों को ये फ़ोन भी है। तो यार यहाँ पर इसमें बैक साइड में भी कैमरा है, ऐसा बात नहीं कि यार बैक साइड में कैमरा नहीं है, यहाँ पर ड्रोन कैमरा है तो बैक साइड में नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को बैक साइड में भी कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। एंड यार 4K रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाता है बैक साइड के कैमरे में। एंड उसी के साथ साथ यार यहाँ पर यदि आप लोग जो है कि इसके प्रोसेसर की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बताया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5G है। एंड यार यहाँ पर इसके डिस्प्ले की बात किया जाए तो यार इसका डिस्प्ले यार तो यार इसमें आप लोगों को फुल HD E3+ AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है इसमें। एंड यार ये जो डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। एंड उसी के साथ साथ इसमें यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। एंड यार बात किया जाए इसके वर्जन वगैरह के बारे में तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। एंड यार उसी के साथ साथ 8GB+128GB का आप लोगों को स्टोरेज वगैरह मिल जाता है, 8GB RAM, 128GB का स्टोरेज और जो भी आप कह लो। एंड यार उसी के साथ साथ जो है कि 6000 mAh का बैटरी मिलता है, मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है। एंड यार उसी के साथ साथ 65W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। एंड यार यहाँ पर बात किया जाए इसके यार की प्राइसिंग के बारे में तो प्राइसिंग यार आप लोगों को 50 से 70 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, उतने में आप लोग उसे खरीद सकते हो। एंड यार कब ये लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च होने का डेट यार एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यार आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाएगा 2022 में, मतलब यार आप लोगों को 2022 में ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल होगा। अब यार 2022 में कौन सा महीना कौन सा डेट यार मुझे नहीं पता, तो क्योंकि यार बताया नहीं गया अभी तक। एंड यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार काफ़ी मस्त फीचर है, मुझे तो यही लगा, आपको क्या लगा जरूर बताना। एंड यार आप लोगों को भी ऑब्वियसली बात है कि यार यही ड्रोन कैमरा वाला आप लोगों को सबसे मस्त फीचर लगा होगा। कैमरा यार कितना मस्त है, 200 मेगापिक्सल का है। एंड यार यहाँ पर यदि आप लोग यार इस फ़ोन में गेम वगैरह खेलते हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ही होगा यार, 50-70 हज़ार ऐसे ही तो नहीं ले रहा यार ये, तो वही बात है यार। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना यार। जय हिंद, वंदे मातरम।